ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो है डिटेक्टिव कॉनन के लाइव एक्शन मूवी को लेके। अभी ज्यादातर सभी एनिमे का लाइव एक्शन आ ही रहा है, तो मैं गूगल में सर्च किया कि क्या डिटेक्टिव कॉनन का भी लाइव एक्शन मूवी है, तो गूगल ने कहा हाँ बिल्कुल है। तो आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। तो डिटेक्टिव कॉनन का पहला लाइव एक्शन मूवी 2006 में रिलीज हुआ था, डिटेक्टिव कॉनन शिनिची कुडो रिटर्न चैलेंज, जो 1 घंटा 30 मिनट का था और इसको 6.5 की आईएमडीबी रेटिंग मिली थी। और इसका स्टोरी उस समय में स्टेट करता है जब शिनिची कुडो हाई स्कूल में था, जहां उसको एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा रहता है कि वो उसके क्लासमेट से किसी एक को क्लास ट्रिप में किडनैप करेगा। अभी वो कौन है और क्या शिनिची उसको ढूंढ पाएगा, इसके लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। डिटेक्टिव कॉनन का दूसरा लाइव एक्शन मूवी 2007 में रिलीज हुआ था, डिटेक्टिव कॉनन शिनिची कुडो रिटर्न शोडाउन विद द ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन, जो 1 घंटा 28 मिनट का था और इसको 6.2 की आईएमडीबी रेटिंग मिली थी। और इसका स्टोरी शिनिची जब कॉनन बनता है वहां से स्टार्ट होता है। जब कॉनन मिस जापानिक्स अवार्ड पार्टी अटेंड करता है तब वो वहां एक केक खाता है, जिसके वजह से वो फिर से शिनिची कुडो बन जाता है। और उसी समय उस पार्टी में मर्डर भी होता है। क्या शिनिची कॉनन बनने से पहले इस केस को सॉल्व कर पाएगा, इसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। डिटेक्टिव कॉनन का तीसरा लाइव एक्शन मूवी 2011 में रिलीज हुआ था, डिटेक्टिव कॉनन शिनिची कुडो रिटर्न चैलेंज द मिस्ट्री ऑफ द लेजेंडरी स्ट्रेंज बर्ड, जो 1 घंटा 35 मिनट का था और इसको 6.1 की आईएमडीबी रेटिंग मिली थी। और इसका स्टोरी उस समय का है जब शिनिची हाई स्कूल डिटेक्टिव था, जहां शिनिची, रान, उसके चाइल्डहुड फ्रेंड और उसके क्लासमेट्स उठने के बाद खुद को एक व्हाइट ट्रैप रूम में पाते हैं, जो शिनिची के पास केसेस से लिंक है, जहां अगर उन्हें इस रूम से बाहर निकलना है तो उन्हें क्वेश्चन का सही जवाब देना पड़ेगा। क्या शिनिची ये मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएगा, इसके लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। डिटेक्टिव कॉनन का फोर्थ लाइव एक्शन मूवी 2012 में रिलीज हुआ था, डिटेक्टिव कॉनन शिनिची कुडो एंड क्योतो शिनसिंगुमी मर्डर केस, जो 1 घंटा 30 मिनट का था और इसको 6.5 की आईएमडीबी रेटिंग मिली थी। और इसका स्टोरी हाई स्कूल डिटेक्टिव ऑफ ईस्ट शिनिची कुडो जब हाई स्कूल डिटेक्टिव ऑफ वेस्ट हत्तोरी हेजी से मिलता है, वहां से स्टार्ट होता है जब वो कम्पीट करते हैं मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए, जो होता है क्योटो फिल्म स्टूडियो में। अभी क्या ये दोनों मिलकर या फिर एक दूसरे के राइवल बन के केस सॉल्व कर पाएंगे, इसके लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। और सभी लाइव एक्शन मूवी आपको YouTube में देखने को मिल जाएगा, तो जाइए और एंजॉय कीजिए माय फ्रेंड। सो गाइस, यही तक था आज का वीडियो। और आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर मेंशन कीजिएगा। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड माइक ड्रॉप।